कितने डॉक्टर सेवा में है, इंजीनियर सेवा में है, एक रुपये की तनख्वाह नहीं मिलती, फिर भी पूरे दिन सेवा करते रहते हैं, पेवर ब्लॉक लगाते हैं, रसोई घर में काम करते हैं। आपको आनंद भी मिलेगा, आपको मनोरंजन भी मिलेगा, मनोपरिवर्तन भी मिलेगा। और सिर्फ महोत्सव को ग्लो नहीं करना है, महोत्सव में आने वाले मानव को ग्लो करना है। और कितने आदमी अपने परिवार को ग्लो बनाते हैं, अपने जीवन को ग्लो बनाते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन ही ऐसा था, या रोडपति हो या करोड़पति, हर एक को प्रेरणा मिलती थी। जय स्वामीनारायण। विश्व वंदनीय संतवरीय परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी महोत्सव अहमदाबाद में एसपी रिंग रोड पर बड़े ही धामधूम से मनाया जा रहा है। लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। महोत्सव जीवन को महोत्सव बना रहे हैं। यह प्रेरणाओं का महासागर है, मानव संस्कृति का महाकुंभ यहाँ पर रचा गया है। यहाँ पर क्या क्या नहीं है, यहाँ पर प्रदर्शन है, यहाँ पर ग्लो गार्डन है, यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो है। जैसे कि आदमी कोई भी बाजार में जाता है, मॉल में जाता है, तो हर एक की साइज का कुछ न कुछ मिलता है, ठीक यहाँ पर जो कोई आता है हर एक को अपनी साइज का कुछ न कुछ यहाँ पर मिल जाता है। प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन ही ऐसा था, या रोडपति हो या करोड़पति, हर एक को प्रेरणा मिलती थी। वो क्लिंटन से लेके कलाम तक सबको उनके जीवन से प्रभावित थे, परिवर्तित थे। ठीक उसी प्रकार से गुजरात के कोने कोने से, भारत से, पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर शिल्प है, यहाँ पर स्थापत्य, यहाँ पर सुंदरता है, यहाँ पर स्वच्छता है, यहाँ पर भाषा है, यहाँ पर भोजन है, यहाँ पर भजन है, यहाँ पर पूरी संस्कृति जीवित है। लेकिन लोग यहाँ पर प्रेरणा क्या प्राप्त करते है? आज बच्चे जो मोबाइल से एडिक्ट हो गए है, अपने माँ बाप की उनके हाथों से मोबाइल ले नहीं पाते, तो यहाँ पर इस प्रकार की बाल नगरी रची गई है। बच्चों में एकाग्रता आए, बच्चों में व्यसन से मुक्त किस प्रकार से बनाया जाए, अपने माँ बाप के प्रति आदर सत्कार की भावना कैसे जागृत हो, यह बात छोटे छोटे बच्चों को सिखाई जाती है। बीच में एक भाई मेरे पास आए थे, उन्होंने बाल नगरी अपने बच्चों को दिखाई। दूसरे दिन बच्चा सुबह में जल्दी उठ गया, पढ़ने लगा, झील बंद कर दी और सूटे पुटे यहां से बुक दी गई थी। बच्चे ने बताया कि पिताजी इसमें लिखा है कि तंबाकू खाने वाले से दूर रहना चाहिए, तो आप ही खाते हैं तो मैं क्या करूं। दूसरे दिन उसके पिताजी मेरे पास आए और पूरा व्यसन छोड़ दिया। हजारों लोग यहाँ पर व्यसन मुक्त होते हैं, वहम मुक्त होते हैं, विकार मुक्त होते हैं। खुटते घर यह समस्या नहीं, लेकिन टूटते घर की समस्या है। तो टूटे दिल टूटे घर, यहाँ पर कितने लोग शो देखकर रोते हैं, माँ बाप अपने आप पैर छूते हैं, भाई भाई को गले लगा लेते हैं। तो यहाँ पर पूरे विश्व की जो समस्याएं हैं, महोत्सव सिर्फ मनोरंजन नहीं है, महोत्सव सिर्फ कोई वंडरलैंड नहीं है। यहाँ पर आने वाला अच्छा स्टूडेंट बनता है, अच्छा पति बनता है, अच्छी पत्नी बनती है, हर एक अपने स्टेप से वन स्टेप अहेड आते हैं। जैसे चंद्र पर पैर रखने वाले, नील आर्मस्ट्रांग ने एक बात बोली थी, वन स्टेप फॉर ए मैन बट जायंट लीप फॉर ए मैनकाइंड। ठीक उसी प्रकार से एक आदमी के लिए एक कदम होगा, लेकिन पूरे मानव जात के लिए तो बड़ी छलांग होगी, बड़ी कुदान हो जाएगी। और इसके सर्जक है परम पूज्य महंत स्वामी महाराज। महंत स्वामी महाराज बड़े ही शांत है। जिन प्रमुख स्वामी महाराज की ये शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है, उनके अखंड धारक संत है भगवान स्वामीनारायण, उनके रुए रुए में रहते हैं, बहुत ही कम शब्द बोलते हैं, लेकिन उनकी प्रेरणा से 1200 संत, 80,000 स्वयंसेवक, जैसे बल्ब दिखाई देता है लेकिन करंट दिखाई नहीं देता, पतंग दिखाई देता है लेकिन पवन दिखाई नहीं देता, ठीक उसी प्रकार से महोत्सव दिखाई देता है लेकिन महंत स्वामी की प्रेरणा दिखाई नहीं देती, वो अनुभूति का विषय है। तो आज के इस विषय में, इस बड़े महोत्सव में आने के लिए सबको हम निमंत्रित करते हैं। आप अपने परिवार के साथ आइए, अपने मित्रों के साथ आइए। यहाँ पर क्या नहीं है, सब कुछ है। आपको आनंद भी मिलेगा, आपको मनोरंजन भी मिलेगा, मनोपरिवर्तन भी मिलेगा। और आदमी जिस प्रकार से अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, वो सभी लक्ष्य को भी पा सकेगा। महंत स्वामी महाराज की डिविनिटी यहाँ पर फैली हुई है। आपके माध्यम से हम पूरे विश्व को अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, अगर आपके जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहते हैं, प्रमुख स्वामी के पद चिन्ह पर चलकर, महंत स्वामी महाराज के आशीर्वाद को साथ लेके चल के
आप सुखी हो सकते हैं, आपके परिवार को सुखी कर सकते हैं, आपकी कंपनी को सुखी कर सकते हैं। पांच प्रकार के डेवलपमेंट होने चाहिए, फिजिकल, सोशल, मेंटल, एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअल। यह महोत्सव में पांचे प्रकार के प्रोग्रेस हर एक व्यक्ति के हो सकते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी महोत्सव मानो एक खजाना है, संस्कृति का खजाना, स्मृति का खजाना। वैसे प्रमुख स्वामी महाराज जब साधु बने, शास्त्री जी महाराज के हाथों से योगी जी महाराज ने उनके लिए भविष्यवाणी कही थी, उनके हाथों से 700 संत दीक्षा लेंगे। जिस वक्त इस संप्रदाय में 85 संत है, आज प्रमुख स्वामी महाराज ने हजारों संतों को दीक्षा दी है। आज जितना महोत्सव सफल हो रहा है, इस महोत्सव की सफलता के मूल में प्रमुख स्वामी महाराज के सभी समर्पित संत है, महोत्सव स्वामी महाराज के समर्पित संत है। जैसे हीरे को कोई पहचान नहीं सकता है, लेकिन जवेरी उनको पहचान लेता है, ठीक उसी प्रकार से प्रमुख स्वामी महाराज को शास्त्री जी महाराज ने, योगी जी महाराज ने पहचान लिया था। जय संकीर्तन में बोलते है, एनु नाम घरो घर गवाशे, अमर थई जाशे प्रमुख स्वामी गुरु मारा। आज पूरे विश्व में छोटा बच्चा हो या प्रधानमंत्री हो, वो सब कोई प्रमुख स्वामी महाराज के नाम से परिचित है। तो प्रमुख स्वामी महाराज के प्रभाव की अनुभूति यहाँ होती है। यहाँ पर ग्लो गार्डन है, ग्लो गार्डन में हर एक चीज को भीतर से ग्लो किया गया है। लोग ग्लो गार्डन के साथ सेल्फी लेते हैं, फोटो अपनी खींचते हैं। मैं तो कहता हूँ 600 एकड़ की पूरी भूमि ग्लो गार्डन है, और सिर्फ महोत्सव को ग्लो नहीं करना है, महोत्सव में आने वाले मानव को ग्लो करना है। और कितने आदमी अपने परिवार को ग्लो बनाते हैं, अपने जीवन को ग्लो बनाते हैं। व्यसन मुक्त बनता है तो ग्लो हो जाता है, काम मुक्त बनता है ग्लो हो जाता है, कुसम मुक्त बनता है ग्लो हो जाता है। कुछ लोग सुसाइड करने वाले होते हैं, कुछ लोग डिवोर्स लेने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर महोत्सव में आते हैं मानो मनोपरिवर्तन सा हो जाता है, प्रेरणा का एक महासागर यहाँ जाता है। जो काम शायद कोर्ट में जाने से, शायद किसी के पास जाने से नहीं होता, महोत्सव में प्रमुख स्वामी महाराज की मूर्ति, मूर्ति के सामने लोग खड़े रहते हैं, जैसे एवरेस्ट के सामने, हिमालय के सामने, मानसरोवर के सामने, और गंगा में एक डुबकी लगाने से, गोंदा लगाने से आदमी जैसे पवित्र हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर प्रमुख स्वामी महाराज के सामने खड़े रहने से परिवर्तन की अनुभूति होती है। महान स्वामी महाराज के दर्शन से परिवर्तन की अनुभूति होती है। यहाँ पर 80,000 स्वयंसेवक है, वॉलंटियर्स। आदमी को तनख्वाह देने के बाद में भी कोई काम नहीं करता, काम चोरी लोग करते रहते हैं। यहाँ पर कितने लोग तो सीए है, डॉक्टर है, सीएस है, एमबीए, इंजीनियर से, एक पूरा सीए का परिवार, जो परिवार के 3-4 सभ्य सीए एक साल से सेवा में है। कितने डॉक्टर सेवा में है, इंजीनियर सेवा में है, एक रुपये की तनख्वाह नहीं मिलती, फिर भी पूरे दिन सेवा करते रहते हैं, पेवर ब्लॉक लगाते हैं, रसोई घर में काम करते हैं। अभी 2 दिन पहले हमारे 2 वॉलंटियर सेवा करने आए थे, अपनी कंपनी में 4,500 कर्मचारी है, लेकिन वो यहाँ पर रसोई घर में रसोई पका रहे थे, सभी भक्तों को परोस रहे थे। तो यह महोत्सव सबको निर्माणिता की प्रेरणा देता है, सेवा की प्रेरणा देता है, संप की प्रेरणा देता है, सहनशीलता की प्रेरणा देता है, स्नेह की प्रेरणा देता है। मानो यह तो सारे गम पधनी सा जैसा महत्व है, जैसे सिंफनी में ट्यूनिंग करना होता है, जैसे म्यूजिक में ट्यूनिंग करना होता है, इस महोत्सव में आने से हर एक लाइफ का ट्यूनिंग हो जाएगा, लाइफ के सुर सेट हो जाएंगे, ताल सेट हो जाएंगे। तो इस महोत्सव में संतों को देख के, स्वयं सेवकों की सेवा को देख के, प्रमुख स्वामी महाराज और महान स्वामी महाराज की पवित्रता को देख के, हम भी उस पवित्रता की ओर, सेवा की ओर, समर्पण की ओर एक कदम बढ़ाए। हम प्रार्थना करते हैं भगवान स्वामीनारायण के इसी चरणों में, परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, परम पूज्य महान स्वामी महाराज, आने वाले हर कोई दर्शनार्थी का, टूरिस्ट का, विजिटर का जीवन महोत्सव बने। यह शताब्दी महोत्सव सिर्फ प्रमुख स्वामी का है, लेकिन हमारा तो आबादी महोत्सव है, उन्नति का महोत्सव है, प्रगति का महोत्सव है, मिलजुलने का महोत्सव है। प्रमुख स्वामी जी हमेशा कहते थे, परस्पर प्रीति प्रसराए वो धर्म, इससे हम सब साथ मिलके गुजरात को श्रेष्ठ बनाए, भारत को श्रेष्ठ बनाए, पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाए। जैसे हमारे उपनिषद में लिखा है, आनो भद्रा अक्रत्वो यंतु विश्वतः, पूरे विश्व के कोने कोने से शुभ विचार हमें मिले,
यहाँ पर तो शुभ विचार विश्व के कोने कोने से आ गए है, अब लोगों को आने की आवश्यकता है। प्रार्थना आपके माध्यम से सबको अपील है, आप सब भी यहाँ पर आए, अपने जीवन को अपने परिवार को महोत्सव बनाए। इसी प्रार्थना के साथ सबको बड़े स्नेह के साथ, भाव के साथ, प्रेम के साथ जय स्वामीनारायण। प्रमुख स्वामी महाराज ने लाखों परिवार के लोगों का जीवन परिवर्तन किया है और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उनमें से एक हम भी है। ये महोत्सव में आके आई फील कि प्रमुख स्वामी महाराज मौन स्वामी के रूप में आज भी हमारे बीच में ही है, क्योंकि उनके बगैर इतना बड़ा महोत्सव होना असंभव है। ये शुभ अवसर पर प्रमुख स्वामी के चरणों में मैं एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप जैसे गुण हम में भी विकसित हो और आपकी जो कृपा दृष्टि है वो हम पर ऐसे कायम बनाए रखिएगा। सो दोस्तों, अगर आप अब तक ये प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में नहीं आए हो तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत कुछ नया देखने को और जानने को मिलने वाला है। एंड यस, यहाँ पे जो लाखों हरिभक्त तन मन धन से सेवा कर रहे हैं उनको हमारा दिल से सलाम। जय स्वामीनारायण।